आइए जानकारी लेते हैं कि आज जो इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया इसका क्या महत्व। सर आपका नाम? मैं बलीगुज़्ज़मान नौमानी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली स्टेट का जॉइंट सेक्रेटरी। सर आज जो आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है तो आज इस प्रदर्शन को लेकर क्या आपकी मांगें हैं? डिमांड सिर्फ इतनी सी है, अगर एक लाइन में मैं कहूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर तस्लीमा नसरीन को अपनी बहन कहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि रोहानियों से जो हैं उनमें बहनें भी हैं और बहनें भी, सबको अपना मानना पड़ेगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता कि जो मुसलमानों पर उंगली उठाए वो आपकी बहन हो जाएं, जो मुसलमान हैं उन्हें आप दूसरे स्टैंडर्ड से दें। डिमांड सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर रहने वाले रोहानियों को एज़ पर इंटरनेशनल रूल संविधान के तहत यहाँ पर रहने दिया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए। आपने बताया कि तस्लीमा जो हैं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी उसे बहन मानते हैं और जो और मोमडन हैं उनको वो पनाह देने से मना कर रहे हैं, जैसे कि अभी बताया गया है कि हल्फनामा दिया गया है कोर्ट के अंदर, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? कि आप हल्फनामा कितने दे लीजिए, अगर उसका बेस सिर्फ मुस्लिम होगा तो ये तो कानून भी नहीं मानेगा ना। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमान हर बार की तरह यहाँ से सुन के एक दो प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद बैठ जाएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि अब तक 100 से ज़्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं और ये प्रदर्शन रुकने वाले नहीं। और आज के प्रदर्शन की ख़ास बात ये थी कि मुख्तलिफ पार्टियों से यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर आम आदमी के भी लोग नज़र आ रहे होंगे, आपको यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग नज़र आए हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी यहाँ पर लोग हैं और बाकी मुस्लिम तंजीमें भी यहाँ पर नज़र आएगी। तो कहीं ना कहीं तो लोगों को लगने लगा है कि इत्तेहाद के बिना कोई भी डिमांड नहीं पूरी हो सकती, तो हमने इत्तेहाद दिखाया यहाँ पर। आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? आगामी योजना अभी जो लोग इसमें जिन लोगों ने शिरकत की है जो अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों से थे उनके पास साथ हम दोबारा भी बैठेंगे। अभी हम वैसे क्योंकि दिल्ली के में भी काफ़ी रोहांगी हैं उनसे भी हमारी मुलाकात चल रही है, हो सकता है आने वाले वक्त में पहले हम अरविंद केजरीवाल जी का से भी घेर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्दी सब मिलकर अरविंद केजरीवाल से डिमांड करें कि अगर आप दूसरे मुल्कों के लोगों को दे सकते हैं पना तो उन्हें भी दीजिए,